आई एम मधु एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 11th. सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर की बुक हॉर्नबिल की पहली पोयम को डिस्कस करेंगे, विच इज अ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉल्सन. ओके, सो ये जो पोयम है अ फोटोग्राफ, इस पोयम में पोएट विच इज शर्ली टॉल्सन, वो अपनी ओल्ड मेमोरी के बारे में बताती हैं, वो अपनी पास्ट मेमोरी के बारे में बताती हैं. और उनकी पास्ट मेमोरी क्या है? उनकी पास्ट मेमोरी है कि जब उनकी मदर अपनी बचपन की फोटो को देखकर हंसती थी, तो ये हमारी पोएट की पास्ट मेमोरी है. ठीक है, तो उनकी जो मदर थी जब वो छोटी थी, तो वो बीच पर घूमने के लिए गई थी अपनी दो कजन्स बेटी एंड डॉली के साथ. ठीक है, उनकी मदर की दो कजन्स थी बेटी एंड डॉली, एंड वो तीनों बीच पर घूमने के लिए गई थी, एंड उन तीनों की उस टाइम पर एक फ़ोटो खींची थी. एंड उस फोटो को देखकर उनकी मदर हंसा करती थी, अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करती थी, अपने बचपन को याद करती थी. एंड जब वो अपनी फ़ोटो को देखकर हंसती थी, अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करती थी, तो अब ये ओल्ड मेमोरी बन चुकी है पोएट के लिए, बिकॉज अब उनकी मदर एग्जिस्ट नहीं करती, अब उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, एंड इसीलिए अब वो अपनी मदर की हंसी को सुन नहीं सकती हैं. तो इसीलिए शर्ली टॉल्सन के लिए ये ओल्ड मेमोरी बन चुकी है, जब उनकी मदर अपनी बचपन की फोटो को देखकर हंसती थी एंड अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करती थी. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पोएम. ये बहुत ही अच्छी पोएम है, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से शर्ली टॉल्सन ने अपनी ओल्ड मेमोरी के बारे में बताया है. सो लेट्स रीड दिस पोएम. सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग. तो यहाँ पर पोएट बताती हैं कि कार्डबोर्ड से उन्हें याद आ रहा है कि उस टाइम कैसा था. कार्डबोर्ड का मतलब क्या है? मतलब वो पिक्चर. हेयर द मीनिंग ऑफ कार्डबोर्ड इज द पिक्चर. उस पिक्चर में जहाँ पर उनकी मदर एंड उनकी दोनों कजन्स खड़ी हुई हैं, सो दैट इज द पिक्चर, जिसको यहाँ पर कार्डबोर्ड बोला गया. तो पोएट बताती हैं कि उस कार्डबोर्ड से, उस पिक्चर से उन्हें याद आ रहा है कि उस टाइम कैसा था जब दो गर्ल कजन्स उनके साथ पैडलिंग करने गई थी. ठीक है, तो यहाँ पर पोएट की मदर हैं एंड उनकी दो कजन्स हैं बेटी एंड डॉली, एंड वो तीनों बीच पर पैडलिंग करने गई हैं. पैडलिंग का मतलब क्या होता है? जब हम शैलो वाटर में, जब पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता है, शैलो वाटर होता है, जब उसमें हम बेयर फीट, बिना किसी फुटवेयर के बेयर फीट चलते हैं, उसको पैडलिंग बोला जाता है. ठीक है, तो पोएट यहाँ पर इन दो लाइंस में बताती हैं कि इस फोटो से, इस पिक्चर से मुझे याद आ रहा है कि कैसे दो गर्ल कजन्स एंड मेरी मदर पैडलिंग करने गई थी. ठीक है, देन ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो. तो यहाँ पर वो बताती हैं कि उन दोनों कजन्स ने, मतलब बेटी एंड डॉली, उन दोनों ने मेरी मदर के हैंड को पकड़ा हुआ है. तो उन जो पोएट की मदर हैं वो सेंटर में खड़ी हैं, एंड उनकी दोनों जो कजन्स हैं बेटी एंड डॉली, उन दोनों ने उनकी मदर के हैंड को ऐसे पकड़ा हुआ है. ठीक है, तो पिक्चर कैसी है? पिक्चर आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हो. दिस इज द पिक्चर. यहाँ पर बीच में पोएट की मदर खड़ी हैं एंड उनके साइड में उनकी दोनों कजन्स खड़ी हैं, बेटी एंड डॉली. ठीक है, एंड उन तीनों ने एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं. ठीक है, एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो. और यहाँ पर पोएट अपनी मदर के बारे में बताती हैं कि उनकी जो मदर है वो बिग गर्ल है, मतलब उनकी मदर दोनों कजन्स बेटी एंड डॉली से बड़ी हैं. शी इज 12 ईयर्स और सो, मतलब उनकी जो मदर है वो उस टाइम 12 ईयर्स की हैं, या फिर कुछ ऐसे इतनी ही एज की हैं. ठीक है, सो द एज ऑफ हर मदर इन दैट फोटो इज 12 ईयर्स. ठीक है, आगे रीड करते हैं. देन All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. और वो तीनों जो लड़कियां हैं, पोएट की मदर एंड वो दोनों कजन्स, वो तीनों एक जगह खड़ी हुई हैं, तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, एंड वो स्माइल कर रही हैं थ्रू देयर हेयर. स्माइल थ्रू देयर हेयर का मतलब क्या होता है? देखो, वो तीनों बीच पर घूमने गई हैं, बीच पर काफ़ी हवा भी चलती है, इस वजह से उन तीनों के जो बाल हैं वो लहरा रहे हैं, मूव कर रहे हैं हवा में, एंड दे आर स्माइलिंग ऑल्सो. इसीलिए यहाँ पर लिखा है स्माइल थ्रू देयर हेयर. एंड वो स्माइल कर रही हैं, किसकी तरफ स्माइल कर रही हैं? एट द अंकल विद द कैमरा, मतलब उनके अंकल कैमरा से फोटो खींच रहे हैं उन तीनों की, एंड वो तीनों लड़कियाँ कैमरे की तरफ स्माइल कर रही हैं. ओके, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. एंड यहाँ पर पोएट बताती हैं कि जब वो जो उस फोटो में मेरी मदर का जो फेस है वो काफ़ी स्वीट लग रहा है, एंड उसे उस टाइम पर तो मैं बॉर्न भी नहीं हुई थी, बिकॉज ऑब्वियसली वो जो फोटो है उसमें उनकी मदर एक चाइल्ड हैं, तो उस टाइम पर पोएट बॉर्न नहीं हुई थी. एंड पोएट बताती हैं कि उस फोटो में उनकी मदर का फेस काफ़ी स्वीट लग रहा होता है. ओके, देन एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजियंट फीट. यहाँ पर पोएट ने ये बहुत अच्छी बात बोली है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो मीनिंग समझते हैं हम इसका. तो उन्होंने बोला कि जो सी है,
वो बहुत कम चेंज हुआ है, वो वैसा का वैसा ही है. ओके तो हमें पता है कि जो वाटर बॉडीज होती हैं जैसे कि सी, ओशन या फिर माउंटेन्स, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होते मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, वैसे के वैसे ही रहते हैं, है ना, ये कॉन्स्टेंट होते हैं. इसीलिए जो सी है वो बहुत कम चेंज हुआ है, वो वैसा का वैसा ही है. एंड इस सी ने क्या किया है, इट वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, टेम्पररी, जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, चेंजेबल, इसका मतलब होता है ट्रांजिएंट. तो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट मतलब जो ह्यूमन के फीट हैं, ह्यूमन के जो पैर हैं वो ट्रांजिएंट होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर जाते रहते हैं, कभी भी एक जगह पर फिक्स नहीं रहते हैं. क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन कभी भी अपनी पूरी लाइफ में एक जगह पर नहीं रहता, कभी एक जगह जाता है, कभी दूसरी जगह जाता है, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, है ना. इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि जो ह्यूमन फीट हैं वो टेरिबली ट्रांजिएंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजिएंट है. इट कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड जबकि जो सी है वो कांस्टेंट है, वो वैसा का वैसा ही रहता है फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स. तो जो सी है उसने उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट को वॉश कर दिया. ठीक है, तो यहां पर कंपैरिजन किया गया है, एक चीज जो कांस्टेंट रहती है मिलियंस ऑफ इयर्स के लिए, विच इज सी, एंड दूसरी तरफ वो चीज जो ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है, एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करती रहती है, एंड विच इज द फीट ऑफ ह्यूमन. ओके, तो यहां पर कंपैरिजन किया गया है. ठीक है, सो आई होप ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया. अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे. So, some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. और अब 20-30 years बाद जब poet की mother बड़ी हो चुकी हैं and poet भी born हो चुके हैं, तो अब 20-30 years बाद उनकी mother इस photo को देखकर हंसती थी. ठीक है, snapshot का मतलब क्या होता है, snapshot का मतलब photo ही होता है. ठीक है, तो ये जो photo है जिसमें poet की mother and उनकी जो दो cousins हैं वो तीनों खड़ी हैं beach पर, तो ये जो photo है, ये जो snapshot है, इसको देखकर उनकी mother हंसती थी. ठीक है, 20-30 years बाद. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. तो अब उनकी मदर इस फोटो को देखकर हंसती थी एंड वो बोलती थी कि देखो बेटी और डॉली को. बेटी और डॉली कौन है, उनकी मदर की दोनों कजन्स. ठीक है, मदर है उनकी एंड उनकी जो दोनों कजन्स हैं उनका नाम है बेटी और डॉली. तो यहाँ पर जो उनकी मदर हैं वो उस फोटो को देखकर हंसती हैं, उस स्नैपशॉट को देखकर हंसती हैं एंड वो बोलती हैं कि देखो बेटी और डॉली को, उन्होंने हमें कैसे तैयार किया है बीच के लिए. दे कौन है, दे मीन्स द पेरेंट्स, मतलब पोएट की मदर के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको तैयार किया था बीच की हॉलीडे के लिए. तो यहाँ पर जो पोएट की मदर हैं वो उस फोटो को देखकर यही बोलती हैं कि देखो बेटी और डॉली को, देखो हमें बीच के लिए कैसे तैयार किया है उन्होंने, मतलब पेरेंट्स ने. ठीक है, सो शी इज enjoying हर पास्ट मेमोरी. उनकी जो मदर हैं वो उस फोटो को देखकर अपनी पास्ट मेमोरीज को याद कर रही हैं कि देखो बेटी और डॉली को कैसे हमें ड्रेस किया, कैसे हमने कपड़े पहने. ओके, सो शी इज जस्ट मेमोराइजिंग हर ओल्ड पास्ट मेमोरीज. ठीक है, देन द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर. तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात बोली है पोएट ने. उन्होंने क्या बोला कि मेरी मदर के लिए उनका पास्ट क्या है, दैट इज द सी हॉलीडे. मतलब ये जो सी हॉलीडे थी जब वो तीनों बीच पर घूमने गए थे, तो ये जो सी हॉलीडे थी ये मेरी मदर का पास्ट था, ये मेरी मदर की सबसे अच्छी ओल्ड मेमोरी थी. लेकिन मेरे लिए ओल्ड मेमोरी क्या है, इट इज द हर लाफ्टर. मतलब मेरी मदर की जो ये लाफ्टर है, जो वो अपनी फोटो को देखकर ये हंसती थी, लाफ करती थी, तो मेरे लिए ये पास्ट मेमोरी है. एंड मेरी मदर के लिए पास्ट मेमोरी क्या है, उनकी वो सी हॉलीडे जब वो बीच पर घूमने गई थी अपनी कजन्स के साथ. ठीक है, देन बोथ राय विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. एंड दोनों मतलब बोथ कौन, उनकी मदर एंड पोएट. ठीक है, दोनों राय का मतलब क्या है, डिसअपॉइंटेड. दोनों डिसअपॉइंटेड है विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. लेबर्ड क्या होता है, लेबर्ड होता है कोई भी चीज जो आपने बहुत मेहनत करके अचीव करी है उसको बोलते हैं लेबर्ड. ठीक है, तो दोनों डिसअपॉइंटेड हैं. दोनों कौन, पोएट की मदर एंड पोएट, दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. मतलब जो चीज़ आपने बहुत मेहनत से अचीव करी है लेकिन वो लॉस हो जाती, वो आपसे चली जाती, आपसे छिन जाती है एंड आपको पता भी नहीं चलता. ठीक है, कैसे, देखो जो पोएट की मदर हैं उनके लिए तो उनका चाइल्डहुड जा चुका है, लॉस हो चुका है एंड उनको पता भी नहीं चला. उनकी जो चाइल्डहुड मेमोरी है वो जा चुकी है क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी हैं. एंड जो पोएट हैं उनके लिए क्या क्या लॉस है, दैट इज द लॉस ऑफ हर मदर. क्योंकि अब पोएट की जो मदर है वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं. ठीक है, शी हैज ऑलरेडी डाइड, उनकी मदर एग्जिस्ट नहीं करती. तो दोनों डिसअपॉइंटेड हैं, पोएट की मदर भी एंड पोएट भी, दोनों डिसअपॉइंटेड हैं विद द लेबर डीज ऑफ लॉस. उन्होंने एक चीज बहुत मेहनत करके अचीव करी थी लेकिन अब वो जा चुकी है और उन्हें पता भी नहीं चला. पोएट की मदर के लिए उनका चाइल्डहुड जा चुका है, उनकी चाइल्डहुड की वो मेमोरीज जा चुकी है, उनका बचपन जा चुका है एंड इसीलिए वो डिसअपॉइंटेड है.
एंड पोएट के लिए उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, उनकी मदर एग्जिस्ट नहीं करती, अब वो उनकी लाफ्टर को नहीं सुन पाएंगी, तो इसीलिए वो डिसअपॉइंटेड है. ठीक है, देन ये स्टैंजा हमने रीड कर लिया. अब लास्ट स्टैंजा रीड करते हैं. नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव. तो उनकी मदर की डेथ हुए कितना टाइम हो चुका है, कितने ईयर्स हो चुके हैं, एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव, मतलब उस फोटो में उस गर्ल की जितनी एज है उतने ईयर्स हो चुके हैं उनकी मदर की डेथ हुए. तो उस फोटो में उनकी मदर की कितनी एज है, 12 ईयर्स है. सो 12 ईयर्स हो चुके हैं पोएट की मदर की डेथ हुए. ठीक है, देन and of this circumstance there is nothing to say at all, it silence silences. तो अब वो बताते हैं कि ये जो circumstance है, ये जो situation है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती and बस अब सन्नाटा ही है, silence ही है. ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही sadness, बहुत ही disappointed तरीके से उन्होंने beautifully इस poem को end किया. उन्होंने बोला कि अब इस situation के बारे में, इस circumstance के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस यहाँ पर silence ही है, सन्नाटा ही है, क्योंकि उनकी मदर की डेथ हो चुकी है एंड अब वो अपनी मदर की लाफ्टर को नहीं सुन पाएंगी. सो शी इज वेरी डिसअपॉइंटेड, इसीलिए उन्होंने बोला इट्स साइलेंस साइलेंसेस. ठीक है, एंड देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. ठीक है, तो ये हमारी पोयम थी अ फोटोग्राफ. दिस वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पोयम. इस पोयम में जो पोएट है शर्ली टॉल्सन, उन्होंने अपनी पुरानी मेमोरी को याद करते हुए बताया कि कैसे उनकी मदर अपनी पुरानी मेमोरी को याद करके हंसा करती थी एंड वो कैसे हंसती थी, ये उनकी पुरानी मेमोरी बन चुकी है, उनकी पोएट की पुरानी मेमोरी बन चुकी है. ओके, so this was a very beautiful poem, I hope you enjoyed it. And at the last friends, मैं आप सभी को बहुत बहुत thanks बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी हमें बहुत ज़्यादा support करते हैं and we are very very thankful for that. आप सभी हमें ऐसे ही support करते रहें, हम आपके लिए और अच्छे videos बनाते रहेंगे. So that's all for this video, thank you so much.